आईपीएल 2023 के महामुकाबले के लिए चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में उतर चुकी है। दोनों टीमें एक खतरनाक मुकाबला खेलने वाली हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने किन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतर रही है। साथ ही दोनों टीमों के इम्पैक्ट प्लेयर के बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, बने रहें वीडियो के पूरे आखिर तक। और साथ ही आप भी चाहते हैं कि इस मुकाबले में आपकी फेवरेट टीम शानदार जीत दर्ज करे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और साथ ही साथ अभी तक ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। साथ ही दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इस मुकाबले में किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, चेन्नई सुपर किंग्स या फिर मुंबई इंडियंस को। आप हमें अपनी फेवरेट टीम का नाम कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, फिलहाल आईपीएल के पहले मुकाबले की बात करें तो यहाँ पर मुंबई इंडियंस अपना पहला मुकाबला आरसीबी के सामने गंवा चुकी है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स ने पहला मुकाबला गंवाने के बाद दूसरे मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की थी। वहीं पर दोस्तों, अब इस मुकाबले के लिए मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 की बात करें तो एक बार फिर इस टीम के लिए रोहित शर्मा और ईशान किशन पारी की शुरुआत करते हुए दिखेंगे। पहले मुकाबले में दोनों बल्लेबाजों का परफॉर्मेंस बेहद ही खराब था और रोहित शर्मा का तो सबसे खराब परफॉर्मेंस था, क्योंकि 10 गेंदों पर वो सिर्फ 1 रन बना पाए थे। ऐसे में यहाँ पर इस मुकाबले में उनसे बड़ी उम्मीद होगी। तो वहीं पर नंबर 3 पर कैमरून ग्रीन खेलते हुए नजर आएंगे, तो नंबर 4 पर विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव उतरेंगे। इन दोनों खिलाड़ियों से भी यहाँ पर काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी। वह पिछले मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करने वाले तिलक वर्मा नंबर 5 पर उतरेंगे, तो नंबर 6 पर निहाल वदेरा उतरने वाले हैं। वहीं पर नंबर 7 की बात करें तो यहां पर टीम डेविड उतरेंगे, तो नंबर 8 पर ऋतिक शौकीन हमें खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं पर नंबर 9 की बात करें तो यहां पर अरशद खान उतरेंगे। वहीं पर दोस्तों, नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पर पीयूष चावला और नंबर 11 पर चोपड़ा आर्चर उतरने वाले हैं। वहीं पर मुंबई इंडियंस की हम बात करें कि आखिरकार यह टीम किस इंपैक्ट प्लेयर के साथ इस मुकाबले में उतरेगी, तो दोस्तों एक बार फिर जेसन बेहरनड्रॉप इस टीम के इंपैक्ट प्लेयर रहने वाले हैं इस मुकाबले में भी। वहीं पर दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स की हम बात करें तो सीएसके के लिए पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे ऋतुराज गायकवाड़, तो उनके साथ होंगे डेविन कॉनवे। दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी की थी पिछले मुकाबले में और ऋतुराज गायकवाड़ का फॉर्म तो कमाल का है और दोनों मुकाबलों में उन्होंने शानदार अर्धशतक जमाए हैं, तो इनसे एक बार फिर शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी। वहीं पर इसके बाद नंबर 3 पर टीम की तरफ से मोइन अली खेलते हुए नजर आएंगे, तो वहीं पर इसके बाद नंबर 4 पर अंबाती रायडू खेलते हुए नजर आने वाले हैं, जिन्होंने पिछले मुकाबले में अच्छी फॉर्म दिखाई थी। तो वहीं पर इसके बाद नंबर 5 पर शिवम दुबे उतरेंगे, तो इनसे भी यहां पर काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस की टीम को उम्मीद होगी। इसके बाद नंबर 6 की बात करें तो यहां पर हमें खेलते हुए नजर आएंगे बेन स्टॉक्स। बेन स्टॉक्स से भी यहाँ पर टीम को काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी। तो इसके बाद दोस्तों, नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा खेलते हुए नजर आने वाले हैं, तो वहीं पर नंबर 8 पर महेंद्र सिंह धोनी उतरेंगे। MS धोनी का परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रहा है अब तक इस आईपीएल में, तो उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर ये अपना जलवा बिखेरेंगे। इसके बाद दोस्तों, नंबर 9 पर मिचेल सेंटनर, तो वहीं पर नंबर 10 पर खेलते हुए नजर आएंगे दीपक चहर, जबकि नंबर 11 पर राजवर्धन हेंगरगेकर उतरने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वहीं पर इस टीम के इंपैक्ट प्लेयर की हम बात करें तो एक बार फिर तुषार देशपांडे के साथ जाना चाहेगी चेन्नई सुपर किंग्स, क्योंकि मुंबई की पिच से तुषार देशपांडे अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। वहीं पर दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आखिरकार इस मुकाबले में किस टीम का पलड़ा भारी रहेगा। तो दोस्तों, मुंबई इंडियंस अपने होम ग्राउंड में खेलने वाली है, तो पलड़ा उनका भारी रहेगा, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स इस मुकाबले में कुछ भी कर सकती हैं। आपके हिसाब से कौन सी टीम जीत रही है इस मुकाबले में, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।